Good evening, everyone. Welcome to the YouTube channel of Pratham Test Prep. I'm Hema Chaudhary and I welcome you all to the Current Affairs series by Pratham Test Prep. In today's video, we will be covering the important current affairs of last three days, that is 19, 20 and 21st February 2021. I hope you all are doing well.

एंड फ्राइडे एट सिक्स पी एम मैं लाइव आती हूँ विद इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर थ्री डेज करंट अफेयर जिसके वीडियोज आप प्रथम यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियोज में आप देख सकते हैं अलॉन्ग थ्री डेज करंट अफेयर वीडियोज वी आर डूइंग वीकली रिकैप राइट सो वीकली रिकैप बाय अभी सर ट्यूजडे को अभी सर लाइव आते हैं विदली रिकैप सेशन जो कि एक पूरे वीक का करंट अफेयर्स कवर करते हैं राइट अलॉन्ग विध दैट वी आर ऑल्सो

You know, practice material on daily basis and any kind of update on any law entrance exam. And if you are preparing for a management exam, you can join our telegram channel with the name IPM at the rate Pratham Test Prep to get no up to get notification of any upcoming entrance exam or related to any institute, right? And who that to get प्रैक्टिस मटेरियल ऑन डेली बेसिस क्विज राउंड मटेरियल और एनी थिंग राइट ओके तो चलिए ये तो थी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सो अब हम करते हैं इस अपने आज के सेशन की बात सो so, क्योंकि तीन दिन एन काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मैंने नोटिस किया लास्ट दिन दिन में स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था तो आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करेंगे सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से देखते हैं आज के सेशन की हमारी पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड ये क्या है इट इज़ अबाउट एन अनाउंसमेंट बाई यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसने हैदराबाद को रिकोगनाइज किया है एज द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड नॉट जस्ट इंडिया बट ऑफ दर्ल्ड सो आई एम रिपीटिंग दाइन अगेन हैदराबाद रिकोगनाइज एज

यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है फूड एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन विच इज एफ एंड आर्बर डे फाउंडेशन इन्होंने मिलकर हैदराबाद को रिकोगनाइज किया है आज दी ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ द वर्ल्ड एंड इसके लिए क्या रीज़न है बेसिकली इट हैज़ बीन रिकोगनाइज एज थ्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर इट्स कमिटमेंट टूवर्ड्स दी मेन्टेनिंग एंड ग्रोइंग दी अर्बन फॉरेस्ट राइट right? सो so, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है विच सिटी हैज बीन रिकग्नाइज एज ट्वेंटी ट्वेंटी सिटी ऑफ द वर्ल्ड आंसर इज हैदराबाद सेकंड क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस देखो हमें दिख रहा है दैट आपका क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है दैट हैदराबाद रिकोगनाइज एज ट्वेंटी ट्वेंटी सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसने रिकोगनाइज किया किसने डिक्लेयर किया नाउ दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट किसने डिक्लेयर किया है आर्बर डे फाउंडेशन एंड यूनाइटेड नेशन की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी वेयर इज देडक्वाटर ऑफ एफ एर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन माई प्रीवियस वीडियोज मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कैन यू क्विकली टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स दैट वेयर इज देडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड राघव वेरी गुड अनुषा इट्स इन इटली राइट मैंने आपको एक निमॉनिक भी बताया था नॉट एग्जैक्टली निमॉनिक मैंने आपको इसकी याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी दैट अगर हम बात करते हैं किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की विच इज़ रिलेटेड टू फूड और एग्रीकल्चर उसको आप रिलेट कर सकते हो इटालियन क्वीन या फिर इटली से इडली इज़ अ फूड फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन एड क्वार्टर इज इन इटली इडली इटली राइट सो यू कैन रिलेटेड लाइक दिस एंड यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजिली चलिए अब मैं एक बार देखती हूँ आपके इंपॉर्टेंट अगर कोई मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं कोई क्वेश्चन है तो आई एल डील विद दैट मैम जो आप करवाते हो वो देख लेती हूँ बट डी यू जैट के लिए और क्या करना है ध्वनि उसके अलावा बच्चे देर आर मंथली क्वेश्चन ऑन योर पी अकाउंट इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ प्रथम राइट right? आपके मंथली क्वेश्चनर अपलोडेड है पी अकाउंट पे प्लीज़ एक बार उनको गो थ्रू जरूर कीजिए आपकी जो क्लासेस होती हैं राइट right? जो आपकी अभी क्लासेस होंगी फोर मंथ्स की कंबाइंड क्लासेस उसमें जो हैंड आउट करवाया जाता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर होते हैं उन पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए Uh, मैम अभिमन्यु सर कब शुरू कर रहे हैं ध्वनि अभिमन्यु सर के ऑलरेडी सेशनज होते हैं बच्चे वीकली रिकैप सेशन अभिमन्यु सर ही कंडक्ट करते हैं अगर आपको उनके वीडियोस देखने हैं आप वीडियोस पे जा सकते हैं प्रथम टेस्ट प्रेप यूट्यूब चैनल पे आपको सर के वीकली रिकैप दिख जाएंगे राइट चलिए वीकली रिकैप टाइमिंग इफ़ यू टॉक अबाउट वीकली रिकैप टाइमिंग टाइमिंग की अगर हम बात करें इट्स ऑन ट्यूज़डे एट टू पी राइट इट्स ऑन ट्यूज़डे एट टू पी वीकली रिकैप टाइमिंग साक्षी सेम क्वेश्चन मैं अभी आंसर oh. कर चुकी हूँ ऑन ट्यूजे एट टू पी एम चलिए टू टू थर्टी के आसपास यस yes, नमन करेक्ट वैसे टू होता है वो लाइव होते होते कई बार थोड़ा सा डिले हो सकता है अदरवाइज द टाइमिंग इज टू चलिए ओके नेक्स्ट आवर डे फाउंडेशन नो दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट है वो इसी के साथ दैट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट डोंट वरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर होगा मैम विल कवर दैट इन द सेम स्लाइड अगर स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है तो मैं वैसे भी आपको बता ही देती हूँ राइट मंधली क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में नहीं पता साइल इफ़ यू फेस प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन यूज आस्क क्वेरी टैब ऑन योर पी एस आई एस अकाउंट विल बी हैप्पी टू हेल्प यू बचा राइट मैम ये क्लासेस कब से शुरू होंगी ऑलरेडी हो चुकी हैं बच्चे दो बैचेस में क्लासेस हो चुकी हैं बाकियों में भी हो जाएंगी राइट सो नाउ वी शुड फोकस हियर ऑन दी करेंट अफेयर जिसपे कि अभी हम कर रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को आप बच्चे अपने आज का क्वेरी टैब में मुझसे पूछ सकते हैं अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो आई एम देयर इन ऑल योर ग्रुप इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ प्रथम राइट चलिए हाँ जी तो इम्पॉर्टेंट क्या है हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ट्वेंटी 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड द आंसर इज हैदराबाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एन क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है बच्चे ये जिसपे की क्वेश्चन देखे गए हैं राइट सो अगर हम बात करते हैं नाइन्थ ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जो कि अभी हुआ है फिनिश ट्वेंटी ट्वेंटी वन का राइट सो एट से ट्वेंटी फर्स्ट तक ये चला था सो so, हमें इसमें मेनली याद रखना होता है मेंस एंड वुमेन्स सिंगल्स के

अगर हम इसकी बात करें तो कौन है नोवाक जोकोविच एंड अगर बात करते हैं हम इन प्लेयर्स की यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम द फ्रॉम वेयर दीज प्लेयर्स बिलोंग क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस पर भी पूछा जा सकता है ये ना पूछ के दैट द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल 2021 आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है दैट वैक्स ऑकूविट हैज वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल टाइटल 2021 ही इज फ्रॉम विच कंट्री सो यू शुड रिमेंबर सर्बियन टेनिस प्लेयर है इज फ्रॉम सर्बिया किसको हराया इन्होंने सो ही डिफीटेड डैनियल राइट सो इनका नाम भी याद रखना है आपको डैनियल ऑफ रशिया इनको इन्होंने फाइनल्स में हराया था तो अभी तक के पॉइंट्स पॉइंट फिर से रिपीट करती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो फर्स्ट हु इज द विनर ऑफ मैन सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्वेंटी ट्वेंटी वन नोवाक जोकोविच हि इज फ्रॉम विच कंट्री सर्बिया ही डिफीटेड होम इन द फाइनल्स

शी इज़ फ्राम जपान किसको फाइनल्स में हराए हैं इन्होंने जेनिफर ब्रारी हु इज फ्रॉम विच कंट्री अमेरिका राइट यू एस आपको ये याद होना चाहिए सो आई एम रिपीटिंग ऑल दीज पॉइंट्स अगैन अब देखो नाउमी और की अगर हम बात करें इनका ये फोर्थ ग्रांड स्लैम टाइटल है जोकोविच की बात करें वो इनका एटीन ग्रैंड स्लैम टाइटल है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं आपसे किसी पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सो यू शूड रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स आई एम रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स अगैन Who is the winner of men's single title in Australian Open Title 2020? One Novak He He's from which country? Serbia. He defeated whom in the finals, Daniel Madvedev. Right. Daniel Madvedev is from which country? Russia. Right. If we talk about Novak Zokovic's win in the 9th Australian Open title, it is the Dash Grand Slam title of Dzokovic. Konsa hai 18th Grand Slam title. 5. For, from the men's single. Now let's talk about women's single title. Who is the winner of women's single title? Naomi Osaka. She is from which country? Japan. She defeated whom in the finals? Jennifer Brady. Jennifer Brady is from which country? US. राइट एंड विच विच टाइटल इज दिस फॉर नाउमी उषा दिस इज ग्रैंड स्लैम टाइटल सो फाइव फ्रॉम मैन सिंगल फाइव फ्रॉम विमेन सिंगल टोटल टेन पॉइंट्स जिसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज टेन पॉइंट्स अलोंग विथ दीज आई एम टेलिंग यू थ्री मोर पॉइंट जो कि आपका टास्क है करने का बिकॉज मैं अपनी तरफ से अगर आपको कुछ टास्क दूंगी तो ही आपका खुद से पढ़ने की हैबिट स्टार्ट होगी नाउ व्हाट यू नीड टू रीड अबाउट ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल मैंस डबल के विनर्स वुमेंस डबल्स के विनर एंड मिक्स डबल्स के विनर्स का नाम राइट सो ये था अबाउट दी ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल 2021 नाउ वन नाओ एल सी के अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ऐसा कोई डाउट है जो कि मुझे एड्रेस करना चाहिए एल सी या मैसेजेस नाव Uh, मैम ये क्लासेस हो चुके हैं ओके क्राइस के लिए कितने मंथ्स का करंट अफेयर्स करें सिद्धार्थ ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर एनी एग्जाम फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम यू शुड ऑलवेज कवर एटलीस्ट वन ईयर्स करंट अफेयर्स टू बी ऑन द सेफर साइड सो यू कैन स्टार्ट विद अप्रैल 2020 टू बी ऑन द सेफर साइड राइट बट अगर मैं क्राइस की बात करूँ इन ट्वेंटी दे गेव शॉक टू द स्टूडेंट्स बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक साल का नहीं तीन साल का करंट अफेयर्स पूछा था बट लेट मी टेल यू वन थिंग बेटा कोई भी तीन साल का करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर करता एंड एक साल के बाद तो बच्चे को करंट अफेयर्स भी नहीं रहता तो यू कैन जस्ट फोकस ऑन दी वन ईयर्स करंट अफेयर्स राइट दिस इज द नॉट प्रॉफिट कन्वर्जेशन ग्रुप ना मैम येस नमन येस yes, बेटा um, नमन इज सेंग दूसरा ओके uh, okay. एक बिना ऑस्ट्रेलियन ओपन बच्चे मैम इन फाइनेंस एंड बिजनेस सेक्शन ऑफ कंपनी में काफी सारे टर्म्स समझ नहीं आते बेटा यू कैन दैट इन योर क्वेरी वी कैन कैन सेंड यू यू द एक्सप्लेनेशन और कंटेक्ट मी ऑन टेलीग्राम आई एल टेल यू द प्रॉपर डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन राइट चलिए मैम नामिया साका के लिए यू ऑल्सो टोल्ड हाइएस्ट पेड फीमेल एथलीट यस वो हमने पहले पढ़ा था बच्चे वो डिक्लेयर हुआ था उस टाइम पे हमने ये कवर किया था इन जनरल करंट अफेयर्स रीसेंट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यस लास्ट सिक्स टू एट मंथ्स आर मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चलिए आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेरीज एंड ऑल द डाउट्स सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड फिर से हमारे सामने एक स्पोर्ट्स न्यूज़ है जिसपे कि बहुत अगर हम देखें तो इंडियंस को बहुत लगाव है इस चीज से एंड इफ यू रिमेंबर दिस वॉज द सेम थिंग विच इज़ द मोस्ट सर्स्ड वर्ड ऑन गूगल इन ट्वेंटी ट्वेंटी क्या था बच्चा हम सब ने ये पहले अपने जो सेशंस किए हैं हमने उसमें ये कवर किया है मोस्ट सर्स्ड वर्ड इन 2020 बाय इंडियंस कौन सा था नॉट कोरोना नॉट कोविड 19 नॉट क्वारंटीन नथिंग ना ही वैक्सीन कोरोना वैक्सीन नो no. क्या था आईपीएल सो यू कैन अंडरस्टैंड द क्रेज फॉर आई पी एल राइट आई जो इंडियंस का क्रेज है फॉर आई पी एल यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस कि कोरोना से जब पूरा वर्ल्ड जो है वो जूझ रहा था हर जगह सिर्फ कोरोना माइंड में था इंडियंस के माइंड में तब भी कोरोना से ज़्यादा क्या चल रहा था आई पी एल राइट तो चलिए आई पी एल के बारे में जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसको एक बार डिस्कस करते हैं सो दिस इज अबाउट अ टीम राइट सो किंग्स इलेवन पंजाब हैज़ बीन रीनेम्ड एज पंजाब किंग्स आई पी एल ऑप्शन होने से पहले ही इसको रीनेम कर दिया गया था येस yes, बेटा यस yes, बच्चे, सो so इफ यू टॉक अवर्ट सी कार्तिके का भी प्यार दिख गया यहाँ पे आईपीएल का सो किंग्स इलेवन पंजाब हैज बीन रीनेमड हैज पंजाब किंग एंड इफ़ यू इफ यू नो बिकॉज आई नो आप में से काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं आपने देखा होगा कि जो आई पी एल फैंस हैं उन्होंने काफी इसको ट्रोल भी किया है काफ़ी मीम्स भी बन चुके हैं इस पे पंजाब किंग्स पीके को लेके काफ़ी मीम्स बन चुके हैं आई वॉज अर्लियर थिंकिंग के मैं यहाँ पे एक कोई भी मीम का यहाँ पे मैं पिक्चर पोस्ट कर देती बट फिर मुझे लगा नहीं आई शुड इग्नोर दैट राइट सो अगर हम बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की इट बीन रीनेम्ड एज पंजाब किंग तो आपको इसके साथ क्या याद होना चाहिए दैट वो आर दी ओनर्स ऑफ पंजाब किंग्स तो इस टीम की अगर हम बात करें दिस टीम इज को ऑन बाय बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा अलोंग विद बिजनेसमैन मैन मोहित बर्मन एंड कर्ण पॉल आपको ये सारे नाम याद होने चाहिए राइट ओके चलिए इसी के साथ मुझे ये बताइए और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आईपीएल से रिलेटेड क्योंकि ये तीन चार दिन से काफ़ी न्यूज़ में है आईपीएल ऑक्शन हुआ है एंड एक हिस्ट्री बनी है एक हिस्ट्री बनी है राइट कोई बात नहीं मैं के सिंह टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फॉलो स्पोर्ट्स न्यूज़ एट ऑल एंड मुझे याद भी नहीं होती ये सब अरे बच्चे मैम है ना उसके लिए आप आपसे उसी पे फोकस फोकस करो जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट ये देखो स्पोर्ट्स कीड़ा एंड स्पोर्ट्स पीक तो सबसे पहले आंसर देखा राइट सो so, अगर हम बात करते हैं मेरे नेक्स्ट न्यूज़ की दैट इज़ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर नेम जो आपको अभी अपने चैट में दिख रहा होगा राइट कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आई कौन है क्रिस मॉरिस वेरी गुड येस बेटर राघव दैट इज इम्पॉर्टेंट अगर कोई हिस्ट्री क्रिएट होती है तो बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड आपको वो करना भी चाहिए बिकॉज आई पी एल रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं हमने कभी हमने हर अगर मैं हर साल की बात करूं, किसी ना किसी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है राइट यस बेटा आप जो भी लिख रहे हैं ना क्रिस मॉरिस सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव करोड कॉस्टलीस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर सोल्ड इन आई पी एल हिस्ट्री दैट इज माई नेक्स्ट न्यूज़ सो इस वाली न्यूज़ में आपका जो इंपॉर्टेंट वो यही है दैट द न्यू नेम ऑफ़ किंग्स किंग्स इलेवन पंजाब पंजाब इज़ एंड ओनर्स ऑफ दिस टीम इज बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जेंटा नेिया मोहित बर्मन एंड कर्ण कर्नपॉल सो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट न्यूज विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दैट अगर हम बात करते हैं एक प्लेयर की दैट हैज बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आई पी एल ऑप्शन हिस्ट्री अभी तक की आई पी एल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन बना है क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीकन प्लेयर है आपको क्या क्या याद होना चाहिए नेम ऑफ द प्लेयर हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दी आई पी एल ऑक्शन हिस्ट्री क्रिस मॉरिस क्रिस मॉरिस बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आई पी एल ऑक्शन हिस्ट्री ही इज फ्रॉम विच कंट्री सो साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर आपको पता होना चाहिए सेकेंड तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें मोस्ट एक्सपेंसिव कॉस्टलियस्ट प्लेयर तो आपको इसका जो अमाउंट है वो पता होना चाहिए तो कितना है सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव करोड़ एंड फोर्थ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस टीम ने इसको खरीदा है सो राजस्थान रॉयल्स हैज बॉट क्रिस मॉरिस वर्सटीन पॉइंट टू फाइव करोड़ चार डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको रटे होने चाहिए रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर न्यूज इसके अलावा भी है इसके अलावा भी है तो अभी मैं उसकी भी बात करूंगी पहले मैं ये चारों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेट मी रिपीट ऑल दीज पॉइंट अगेन हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आई पी एल ऑप्शन हिस्ट्री आंसर इज क्रिस मॉरिस से क्रिस मॉरिस बिकेम द एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आई पी एल ऑप्शन हिस्ट्री इज फ्राम विच कंट्री साउथ अफ्रीका थर्ड वॉट इज दी कोस्ट और आई पी एल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स हैज़ बॉट क्रिस मॉरिस फॉर हाउ मच अमाउंट तो आपको पता होना चाहिए अमाउंट इज सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव करोर एंड फोर्थ क्वेश्चन विच टीम हैज बॉट क्रिस मॉरिस एंड ही बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आई पी एल ऑप्शन हिस्ट्री आंसर इज राजस्थान रॉयल्स राइट सो ये चार पॉइंट तो आपके डायरेक्ट है फिफ्थ पॉइंट कैन भी लाइक दिस या फिफ्थ क्वेश्चन कैन भी लाइक दिस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट क्रिस मॉरिस रिप्लेसड होम टू बिकेम दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आई पी एल ऑप्शन हिस्ट्री सो क्रिस मॉरिस से पहले अभी तक ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था युवराज सिंह बिकॉज युवराज सिंह वॉज दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर टिल नाउ एंड इनको खरीदा गया था सिक्सटीन करोड़ में बाय डेली डे डेविल्स इन ट्वेंटी फिफ्टीन तो अभी तक ये रिकॉर्ड किसके नाम पर था युवराज सिंह कितनी कॉस्ट थी सिक्सटीन करोड़ कौन सी टीम थी डेली टेयर डेवल्स अब किसने रिकॉर्ड बनाया है ये क्रिस मॉरिस कौन सी टीम है राजस्थान रॉयल्स अमाउंट क्या है सिक्सटीन पॉइंट टू फाइव करोड़ इस फ्रॉम विच कंट्री साउथ अफ्रीका सो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट चार जो मैंने पहले रिपीट किए थे एंड तीन पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट नाउ लेट मी सी अगर कोई ऐसा डाउट या आपका कोई ऐसी चीज है जो मुझे आंसर करनी है चलिए ओके सो मेनी क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे डू वी नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग ऑल दीज सेवन पॉइंट्स प्रियांशी जो अभी मैम ने कवर करवाया ऑल दीज सेवन पॉइंट्स ठीक है येस क्रिस मॉरिस करेक्ट क्रिस मॉरिस येस बचा सानिध्य ओके यहाँ पे आप लोग मुझे लग रहा है क्वेश्चन पूछने की जगह आप आंसर बता देते हैं मैं हम के कवर करने से पहले ही इतना पैसा क्यों देता है बिगेस्ट मिस्ट्री अरे बच्चे ओके okay. हाँ जी बच्चे यस yes, नमन बट उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा ना नमन उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा येस बेटा अर्लियर इट वॉज ऑफ़ युराज ऑफ सिक्सटीन करोड़ दई हाट कवर्ड राइट अच्छी बात है अक्षत आपने पहले ही बता दिया uh, विराट कोहली फीलिंग सेडवा है ओके चलिए आंश सिंह मैम इज़ बिग बॉस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बच्चे आई पी एल इज़ डिफरेंट आई पी एल इज बिजनेस राइट आई पी एल इज़ एट दिस लेवल बिग बॉस आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन दैट चलिए ओके यू ई से पहले एम एस डी इतना नहीं पूछेंगे आंश आई आई नॉट ब्रॉट ओनली एनी प्लेयर ओके हाँ जी वॉट इज़ आई पी एल ऑप्शन बच्चे आई पी एल ओके ध्वनि बेटा आई पी एल में जो टीम होती है इंडियन प्रीमियर लीग में जो टीम्स खेलती है ना राजस्थान रॉयल्स डेली डे डेविल्स एंड ऑल राइट ओके तो बच्चे ये अपने प्लेयर्स को यहाँ पे ख़रीदती हैं तो बच्चे ऑप्शन होता है राइट right? बोली लगती है प्लेयर्स की एंड प्लेयर्स को ख़रीदा जाता है अपनी टीम में खिलवाने के लिए राइट right? बेटा ध्वनि बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है केम चो कह दो हाल केम चो ओ ओके नमन इज सबसे वेली थिंग एवर डोंट टू कमेंट ऑन दैट से चलिए आगे बढ़ते हैं हाँ जी ना नेक्स्ट ओके ध्वनि का आ गया है थैंक्स दैट मीन्स पता चल गया ओके अच्छी चीज़ है हाउ कुड यू हैबाउट आई पी एल दैट्स फाइन बचे पार्थ कोई इशू नहीं है बच्चा राइट ध्वनि लिविंग इन इंडिया ओनली ओके गाइज आई थिंक दैट्स नॉर्मल इट्स ओके राइट हाँ जी कमिंग बैक टू another news related to ipl another an important news from the examination point of view and yes इस तरह की न्यूज पे क्वेश्चंस हर साल देखा गया है ये yes, वो वाली न्यूज पे नहीं बट ये yes, जब हम बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप की इस पे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर होता है सो so, अगर हम बात करते हैं टाइटल स्पॉन्सरशिप फॉर आईपीएल और इंडियन प्रीमियर लीग वो फिर से किसके पास चली गई है वीवो जो बीच में कुछ टाइम के लिए आ गई थी ड्रीम इलेवन के पास राइट बिकॉज ऑफ एन इशू अभी मैं डिस्कस करूंगी सो so, आपको ये पता होना चाहिए दैट हु इज नाउ अगेन द टाइटल स्पॉन्सर फॉर आई पी एल और इंडियन प्रीमियर लीग ट्वेंटी ट्वेंटी कौन सी कंपनी है चाइनीज मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी कंपनी ब्रांड वीवो सो वी कैन से दैट वीवो हैज रिटर्न एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी वन किसने ये इन्फॉर्म किया अभी रिसेंटली देखो वैसे मैंने कभी इस पे एज सच क्वेश्चन नहीं देखा बट इन एग्जाम्स लाइक क्लैट जिसमें कि पूरा पैराग्राफ देखे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं हो सकता है इस चीज से रिलेटेड आपका पैराग्राफ आ जाए देन दे कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दिस दैट हु इज द गवर्निंग काउंसिल्स चेयरमैन ऑफ आईपीएल तो यू शुड रिमेंबर द नेम रिजेश पटेल बाकी स्टूडेंट्स भी याद कर सकते हैं बिकॉज इफ दे वॉन्ट टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू दीज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन न्यूज़ क्या है उंसिल चेयरमैन तो so ब्रिजेश पटेल अब हुआ क्या था देखो टू थाउजेंड एटीन में गोइंग बैक टू ट्वेंटी टू थाउजेंड एटीन में वीवो एक्वायर दिल स्पॉन्सरशिप ऑफ आई पी एल पांच साल की डील थी वो ठीक है तो उसके बेसिस पे अगर देखा जाए 2018, 19, 20, 21 एंड 22 इन पांचों साल का जो आईपीएल लीग सीजन होता उसको कौन स्पॉन्सर करता भी वो बट हुआ क्या जब हम बात करते हैं 2020 की इफ यू गाइस रिमेंबर जून 2020 में इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो मिलिट्री क्लाश हुआ था उसके बाद से वीवो की ये स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी थी आईपीएल से राइट right? एंड अभी क्योंकि ये सॉल्व हो गया उस टाइम पे जब ये खत्म कर दी गई थी तभी ये स्पॉन्सरशिप किसको हैंड ओवर कर दी गई थी ड्रीम इलेवन को ट्वेंटी सीजन का आई पी एल टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास थी ड्रीम इलेवन के पास बट इन ट्वेंटी ट्वेंटी आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है ठीक है ये देखो फिर से हंसना शुरू यहाँ पे चलिए फिर से मैं रिपीट करती हूँ सारे पॉइंट्स आई नो थोड़ा सा हो गया राइट फिर से बात करते हैं देखो क्या है न्यूज वीवो हैज रिटर्न एज दाइटल स्पॉन्सर फॉर आई पी season now why we are वी आर returned As and why are we not saying it? It has been declared as why returned because Vivo ka 5 saal ka contract tha from 2018 which included 2018, 19, 20, 21 and 22 ka IPL season but जब June 2020 में India-China border का dispute हुआ तो 2020 IPL के title sponsorship उनसे Vivo से हटा दी गई थी and किसको दे दी गई थी? Dream 11 किसको दे दी गई थी? ड्रीम इलेवन बट ट्वेंटी 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 गर्निंग काउंसिल के चेयरमैन कौन है ब्रिजेश पटेलो को कब मिला था आई पी एल टाइटल स्पॉन्सरशिप इन ट्वेंटी एटीन कितने साल की डील थी फाइव इन ईयर किया गया था ट्वेंटी ट्वेंटी किस कंपनी ने रिप्लेस किया था ड्रीम इलेवन राइट एंड किस इशू की वजह से ये रिप्लेसमेंट हुआ था इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए एंड आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं चलिए अब मैं एक बार को आपके क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो वो देख लेती हूँ आई कैन सी देर आर सो मेनी मैसेजेस एक्साइटमेंट दिख रही है अबाउट आई एंड इंटरेस्ट भी दिख रहा है चलिए हाँ जी यहाँ पे है ओके वी वो बैक ऑन ट्रैक यस नमन वी वो बैक आई डोंट फॉलो आई पी एल आई डोंट थिंक दैट मच ऑफ अ बिग डील ओके ध्वनि येस बच्चे आप नहीं सुनते नहीं देखते कोई दिक्कत नहीं है नहीं फॉलो करते बट जितना मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ सिर्फ उतना आपको पता होना चाहिए राइट एंड स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मॉस कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट एग्जाम बट येस दीज क्वेश्चन कैन भी आंसर इन यूर लॉ एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो राइट सो यू कॉन्ट इग्नोर सच न्यूज़ चलिए कोई दिक्कत नहीं है Vivo बी लाइक टू डीम इलेवन आप जाइए टीम ही बनाइए यस यू कैन से दैट उन्हीं का वही चीज़ हो गई उन्हीं की बात उन्हीं पे डाल दी इट शुड बी पतंजलि आई पी एल नो सानिध्य चलिए चाइना का डिस्प्यूट ठंडा हो गया ओके पॉलिटिकल कॉमेंट नहीं करना चाहेंगी मैम यहाँ पे हाँ जी नॉट एवरी वन लाइक्स क्रिकेट एंड फॉलोज आई पी एल ट्रू बचे मेधा वीवो इज़ अ चाइनीज हाउ कुड ही गेट स्पॉन्सरशिप जैसे बच्चे अभी मिल गई बीच में हटा दी थी ना बेटा इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बाद एक साल के लिए स्पॉन्सरशिप खत्म कर दी थी बेटा फिर से दे दिया पैसा बोलता है अरे बेटा चलिए ओके नेक्स्ट मैम विल क्राउड भी अलाउड आई डोंट थिंक बच्चे क्राउड अलाउ होगा अगर ये अलाउ करते भी हैं तो इट विल बी वेरी लिमिटेड राइट ओके सब कंडीशन पे ही डिपेंड करेगा येस yes, नमन मन टू ली सेट डिडेंट इंडियन गवर्नमेंट ट्राई टू रीस टेन एफ डी आईज फ्रॉम चाइना यस बच्चे दैट्स अ डिफरेंट थिंग आई नो उस पर भी काफ़ी है इसको लेके काफ़ी बच्चे क्रिटिसाइज़ किया गया था राइट ओके मैम अकेले ड्रीम इलेवन नहींडमी ने भी नहीं, नहीं बच्चे देखो बैक ऑफ किया है बट अगर हम बात करते हैं नमन बैक ऑफ करना इज डिफरेंट बट ड्रीम इलेवन बच्चे मैंने ये बोला ट्वेंटी ट्वेंटी में ड्रीम इलेवन वॉज द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट बैक ऑफ करना तो यह कि अभी इन्होंने बैक ऑफ किया है बट उस 2020 आईपीएल जो था ना उस सीजन में टाइटल स्पॉन्सरशिप जिसके पास थी दैट वाज ड्रीम इलेवन राइट बिडर्स तो बहुत सारे होते हैं बेटा ठीक है 2023 नहीं नहीं बच्चे नॉट 2023 अब 2021 है 2022 में देखते हैं क्या पता किसी और को दे दे अभी के लिए ट्वेंटी वन याद रखो 2021 के लिए है यस ओके यस बचा ध्वनी ओके इस फुल सट्टा ओके okay, बस नहीं आना चाहिए था बच्चे मैम एंड हम लोग मिलके कुछ नहीं कर सकते इफ अ पैराग्राफ कम्स रिलेटेड टू आईपीएल बच्चे अभी मैंने तीन न्यूज़ कवर की बेटा उन तीनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं एंड एक न्यूज़ पे मैंने आपको कम से कम सेवन एट पॉइंट्स बता दिए राइट सो एनीथिंग कैन बी आस्ड आई थॉट देवर इन पार्टनरशिप टू डू द स्पॉन्सरशिप नहीं नहीं नमन चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट देखते हैं क्या है हाँ जी बच्चे मेंटी होगा राघव राघव की अलग एक्साइटमेंट होती है मेंटी क्विज को लेकर चलिए हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं नो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज अबाउट एन अपॉइंटमेंट एक इंडियन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया गया है तो जैसा कि मैं अपने पहले सेशन से बोलती आ रही हूँ दैट अपॉइंटमेंट्स में इफ एंड इंडियन इज अपॉइंटेड एट अ पोस्ट इन एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट दैट अपॉइंटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू राइट सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अपॉइंटमेंट की कौन सी किसकी अपॉइंटमेंट है पहले तो हम बात करेंगे पोस्ट की ठीक है फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन है ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यू एन एच आर सी की एडवाइजरी कमेटी के पहले इंडियन चेयरमैन बने है. देखो चेयरमैन हर साल बनते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है अगर कोई भी कोई भी चेयरपर्सन बनता तो ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती बट ये न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहले इंडियन है जो कि चेयरपर्सन बने ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ यू एन एच आर सी सो दैट इज़ वाई दिस न्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट सो मेधा ककर सिंह वाई अजय एक और अजय नहीं नहीं बच्चे इस, इनका नेम इनकी जो स्पेलिंग है दैट इज ए जे ए आई एंड नॉट ए जे ए वाई राइट नॉट ए जे ए वाई ठीक है ये अजय है ओके सो बच्चे स्पेलिंग में डिफरेंट होते हैं ना प्रीति की बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं Now, उन पे डिपेंड करते कि वो अपना नाम कैसे लिखे चलिए क्या बेटा अजय 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 टॉपिंग चार्ज इंटेंशनली यस त्यागी मल्होत्रा राइट सो so, फोकस आप बच्चे मल्होत्रा जी पे कीजिए सो अजय मल्होत्रा बिकेम द फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ यू राइट चलिए सो अगर हम बात करते हैं इसकी हमारे लिए सबसे पहले तो नेम ऑफ द इंडियन इज इंपॉर्टेंट कौन है अजय मल्होत्रा किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ एडवाइजरी तो बच्चे इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत information तो होनी चाहिए सो वेन वी टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इट वॉज फाउंडेड इन the टू थाउजेंड सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है मैं जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूं आपको मैं एक चीज जरूर बोलती हूँ कि हेडक्वार्टर तो आपको पता होना ही चाहिए राइट right? सो so, बच्चे व्हेन वी टॉक अबाउट हेड क्वार्टर बच्चे हेड क्वार्टर आपका कहाँ पे है ये मैं पहले भी कवर कर चुकी हूँ इट्स इन जिनेवा स्विट्जरलैंड एंड हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नजहत शमीम नजहत शमीम डेविल गेमिंग ओपी सिंह मैम टू डेज कितना कुछ हो जाता है माइंड माइंड ब्लास्टिंग बच्चे कई बार आपको याद हो तो मेरे सेशन कुछ ऐसे भी हुए हैं जिनमें हमने सिर्फ चार न्यूज़ पे फोकस किया है इट डिपेंड्स ऑन द डेज कभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती हैं कभी हमारी एक दो मुश्किल से इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दी डेज बच्चे ज़रूरी नहीं है कि हर दो दिन में या तीन दिन में आपकी इतनी सारी न्यूज़ होंगी राइट सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट आपको बार बार बच्चे इन चीज़ों को अच्छे से याद करवाने के लिए तो ये सेशंस होते हैं आई एम रिपीटिंग एवरी इन्फॉर्मेशन अराउंड थ्री टू फोर टाइम्स इतनी बार बोलने के बाद तो बच्चे रट जाना चाहिए मेरी आवाज़ आप लोगों को नींदों में भी सुनाई देनी चाहिए कि हाँ मैम ने ऐसा कुछ बोला था सो so, चलिए फिर से एक बार आपके लिए रिपीट करती हूँ राइट एंड इफ यू लाइक द वे राइट जिससे कि मैं आपको याद करवाने की कोशिश करते हैं आपको लगता है कि हाँ दिस इज हेल्पिंग यू राइट इन एनी वे इन रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्गर टाइम राइट प्लीज लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट दी अपकमिंग वीडियो सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें राइट right? तो चलिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज दी फर्स्ट इंडियन चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल नेम ऑफ द पर्सन इज अजय मल्होत्रा राइट हाँ जी मिस्टर मल्होत्रा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल की वेयर अगर इसकी हम बात करें वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल तो बच्चे कहाँ पे है हेड क्वार्टर इट्स इन जिनेवा स्विट्जरलैंड थर्ड कब फाउंडेशन हुआ था इसका इन 2006 टू एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कौन है नजद शमीम तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि आपको याद करना है अब यहाँ पे क्योंकि मुझे एक दो बच्चों के मैसेज uh, दिखे मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगी बेटा सी अगर आप टेंशन लेके या बर्डन समझ के चीज़ें याद करने की कोशिश करोगे ना आपको पढ़ाई हमेशा बर्डन लगेगी आप चीज़ों को अगर इस तरह से सोच के कि हाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है या मुझे दुनिया के बारे में अच्छी चीज़ें पता करने को मिल रही है आई एम नॉट सेंग के गड़े मुर्दे उखाड़ो या मुझे हिस्ट्री से क्या लेना देना एंड ऑल दैट इज़ फाइन कि हम हिस्ट्री एंड ऑल क्यों पढ़े उस चीज़ के लिए होना एक तरह से बट वेन वी टॉक अबाउट करेंट अफेयर्स बच्चे अपने आसपास के सराउंडिंग के बारे में अवेयर होना आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड थिंग राइट वो आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है तो खुश होकर चीजों को पढ़ेंगे बच्चे तो अच्छे से चीजें याद रहेंगी बर्डन समझ के करोगे तो वो आपको हमेशा बर्डन लगेगी राइट right? चलिए सो so, बच्चे फिर से मैं एक बार को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ सो अजय मल्होत्रा यू एन की एडवाइजरी कमेटी के पहले इंडियन चेयरमैन है हेड क्वार्टर जिन्हें व में है फाउंडेशन 2006 में हुआ एंड प्रेसिडेंट कौन है नजर शमीम सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑल द न्यूज जो कि लास्ट दिन दिन में इंपॉर्टेंट थी अब मैं एक बार देख लेती हूँ क्या कोई आपका ऐसा डाउट है जो मुझे एड्रेस करना चाहिए यहाँ पे वाई अजय एक और अजय अजय, अजय का पीछा छोड़ दीजिए बच्चे अब बेचारे का अपॉइंटमेंट हो गया क्या कर सकते हैं राइट मैम कैन इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चंस नॉट इन्वॉल्विंग ऑफिशियल स्टेटमेंट बट प्रेट इन मीडिया बी आज इन डी यू जैट बच्चे देखो कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन नहीं होगा एंड यस एग्रीमेंट हो चुका है डील हो चुकी है उस पर आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है बट किसी ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं राइट ओके कर दिया मैम लाइक थैंक यू नमन ओके ड्रीम आपकी वीडियो अरे वाह वेरी हेल्पफुल द वे यू टीज थैंक यू सो मच ध्वनी क्रैश uh, कोर्स में सी की क्लासेस कब होंगी मेदा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं तीन बैचेस में ऑलरेडी पहली क्लास उनकी हो चुकी है जो कंबाइंड मंथ्स की क्लासेस है वो हो चुके हैं कमिंग वीक में आप लोगों की भी हो जाएंगी ठीक है बस एक चीज़ चाहिए फिल्टर भी लाया करो ना बीच में वाई नॉट बेटा अब यहाँ पे यूट्यूब सेशन में भी हम फिल्टर यूज़ करने लगे तो फिर तो क्या ही बात है राइट right? चलिए मुझे पढ़ाई बर्डन नहीं स्ट्रेसफुल लगती है आई वॉन्ट ओके नाउ आई डोंट वॉन्ट टू रीड दैट कॉमेंट बटे प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट राइट लाइफ में बहुत कुछ है बेटा चलिए बस हाँ जी चलिए ओके सो गाइज आई यू गाइज रेडी फॉर द मेंटी मेंटीक्वेज आई होप यहाँ तक हमने जितने भी न्यूज कवर की वो सब आपको क्लियर है आई यू गाइज रेडी फॉर द मेंटी मेंटीक्वेज स्टार्ट करें अपना मेंटी मेंटीक्वेज आज का सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंटी मैंटीक्वेज पे उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज गो टू डब्ल्यू 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 डॉट मेंटी डॉट कॉम Go to www.menti.com and use the code. Just a second. Use the code which is there on the screen 5354806. Devil, please don't use that language, Bita. Don't use that language. Go to www.menti.com and use the code 5354806. लेट्स गो विद मेंटी चलिए यस ओके सो आई कैन सी पीपल आर ज्वाइनिंग यो जल्दी से आइए डब्ल्यू 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 डॉट मेंटी डॉट कॉम एंड यूज़ द कोड फाइव थ्री फाइव फोर एट जीरो सिक्स एंड स्क्रीन इसी के साथ कलरफुल होते हुए एंड मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पे मेरा फोकस गया दैट फ्रॉक जो कि ऐसे बिग बिग आइज से देख रहे हैं ओके आई थिंक उसका आईकॉन छोटा होता तो ज़्यादा बेटर था दैट्स फाइन बाय द वे हु इज दिस फ्रॉक कौन है ये ओके <laughs> okay, राघव जीतेगा या नहीं ये तो मिस्ट्री है बच्चे देखते हैं क्या पता कोई और विनर हो कई बार होता है ऐसा यस डब्ल्यू 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 डॉट मेंटी डॉट कॉम एंड यूज़ द कोड फाइव थ्री फाइव फोर एट जीरो सिक्स यूज़ द कोड फाइव जीरो फाइव थ्री फाइव फोर एट जीरो सिक्स सो आई कैन सी आ चुके हैं काफ़ी स्टूडेंट्स एंड आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद द मेंटी क्वेस्ट सो चलिए शुरू करते हैं आई थिंक अभी और ज्वाइन कर रहे हैं कोड बता दो ध्वनि कोड आपके मैसेज के नीचे ही लिखा हुआ बेटा आपने जो मैसेज किया उसी के जस्ट नीचे कोड लिखा हुआ है आप देख लीजिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं चेयरमैन ऑफ स्कॉच ग्रुप हु चेयरमैन ऑफ स्कॉच ग्रुप जल्दी से बताइए कौन इन में से एंड टाइम समाप्त होते हुए थ्री टू वन टाइम आप एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया एंड यहाँ पे आई कैन सी अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया आप देखते हैं हु इज द विनर ऑफ दिस अभी तक के लिए हु इज एट द टॉप एंड आई कैन सी आज राघव थोड़ा सा पीछे हैं लेट्स सी हु इज एट द टॉप चलिए फास्टेस्ट आंसर दिया है मेधा कक्कर एंड आकाश बंसल ने राघव इज थर्ड पो, थर्ड पोस्ट तो देखते हैं कौन जीता है अभी तो देखो पहला क्वेश्चन ही है सो वी हैव ब्यूटी ब्यूटी आल्सो विद अस हाय चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर मेटीक्वेज इज सो मैं अमिताभ बच्चन स्टाइल में यहाँ पे बोलूंगी ये रहा आपकी स्क्रीन पे एंड द क्वेश्चन इज हु इज द करेंट हेड ऑफ फेसबुक बताइए वो इज़ द करेंट हेड ऑफ फेसबुक एंड टाइम समाप्त होते हुए थ्री टू वन टाइम्स आप एंड द करेक्ट आंसर इज इसमें तो गलती होने के चांसेस नहीं होने चाहिए थे बट आई कैन सी यहाँ पे फिफ्टीन स्टूडेंट्स ने अभी भी गलत आंसर दिया है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने करेक्ट दिया है तो देखते हैं अब लीडर बोर्ड पर क्या मेधा अभी भी अपनी टॉप पोजिशन संभाले हुए मेधा एंड आकाश एंड नो आई कैन सी यहाँ पे रिप्लेस कर चुका है राघव को बर्दाश्त नहीं हुई अपनी यार एंड राघव नो सो ब्यूटी एंड पापा की परी इज़ टॉप टाइज प्लीज़ यार यूज़ योर रियल नेम ताकि मैं अच्छे से एड्रेस कर सकूँ नाउ पापा की परी परी बन के उड़ जाएगी बेटा क्या फ़ायदा जो भी है अपना रियल नाम यूज़ करो ना एंड माई ब्यूटी क्वीन बेटा आपको यहाँ पे ब्यूटी क्वीन के लिए नहीं पार्टिसिपेट कर रहे ना आप क्विज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो चलिए हु ऊसो एवरेस्ट दस बच्चे जो भी है हमारी ब्यूटी एंड पापा की परी ये टॉप पे है एंड पापा की परी ने दिया है फास्टेस्ट आंसर ओके वी हैव जूही ही ऑल्सो हाई जूही चलिए राघव इज आट थर्ड पोस्ट देखते हैं क्या राघव अपना स्पॉट चेंज कर पाते हैं नहीं हर बार की तरह आंश बजाज मुझे टॉप टेन में तो दिख रहे हैं बट देखते हैं क्या वो टॉप पे टॉप पोजीशन पे आ पाते हैं नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर क्वेज इज चलिए हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक डायरेक्ट क्वेश्चन है आज आपके एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन एंड टाइम समाप्त होते हुए थ्री टू वन टाइम्स अप देखते हैं हो हाँ ओ ओ माय गॉड गाइस व्हाट इज दिस नाउ यू कैन लुक एट द ग्राफ ट्वेंटी एट ट्वेंटी थ्री फिफ्टीन एंड नाइन हाउ कैन यू बी सो कन्फ्यूज विद दिस क्वेश्चन दैट हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक क्रिस्टलीना जॉर्ज हुआ ट्रेडरोज आथराम एंड गीता गोपीनाथ गाइस रिवाइज द फैक्ट्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड के राइट करेक्ट आंसर है प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक देखते हैं लीडोबोर्ड में कितना हेर फेर हुआ है इसी के साथ क्या पापा की परी एंड ब्यूटी अभी भी अपनी टॉप पोजिशन संभाले हुए एंड मुझे यहाँ से राघव गायब होते हुए दिख गया है ओ माई गॉड तेजस जैन नाइन्थ ग्रेड ओके एंड पापा की परी ज्यादा टॉप जूही ने दिया है फास्टेस्ट आंसर कॉन्ग्रेचुलेशन जूही ही राइड एंड ब्यूटी एंड पापा की परी अभी भी टॉप पोजीशन पे है गाइस वन रिक्वेस्ट बेटा प्लीज अपना रियल नेम यूज करो ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे आपका नाम लेने में अच्छा लगे अभी आई हैव दिस वियर्ड स्माइल ऑन माय फेस वाइल यू नो कॉलिंग योर नेम पापा की परी एंड ब्यूटी चलिए देखते हैं क्या जूही रिप्लेस कर पाएंगी ब्यूटी एंड पापा की परी को चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, आज का तो ये अलग ही है ना अलग अलग नेम के साथ हमारा मेंटी चल रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे मेंटी क्वेज का एंड द क्वेश्चन इज ओके हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड यूएनसीडीएफ थ्री टू वन टाइम्स अप। एंड देखते कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया वेरी गुड मैक्सिमम स्टूडेंट ने दिया है करेक्ट आंसर द नेम इज प्रीति सिन्हा गाय सुने सुने नेम को आंसर मत मांग करो गीता गोपीनाथ का नाम सुना हुआ लग रहा है तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर वही होगा रिवाइज योर फैक्ट्स एंड देन गिव आंसर्स बचे ये जो आपका मेंटी में इट इज प्रिपेयरिंग यू फॉर टू थिंग्स एक तो आपके फैक्ट्स क्लियर कर रहे हैं दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट राइट सो देखते हैं क्या पापा की परी एंड ब्यूटी अभी भी टॉप पे है या जूही ने रिप्लेस कर दिया है विल we'll सी या कोई और राघव फिर से मुझे टॉप टेन में दिखते हुए क्या राघव अपनी पोजीशन फिर से ले पाएंगे नो ब्यूटी इज एट द टॉप जूही आ गई है सेकंड पैंस जूही ने दिया है फास्टेस्ट आंसर पापा की परी आ चुकी है थर्ड पोजीशन पे एंड अरे बाप रे वी हैव वन पर्सन विद द नेम रे बेटे मौज कर दी लो मैम भी उसी लैंग्वेज में ही बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ूंगी रे बेटे मौज कर दी राइट right? सो so, जो आप नाम लिख रहे हो बच्चे आई एम आई एम टेलिंग दिस अगेन रिक्वेस्टिंग दिस अगेन प्लीज यूज योर रियल नेम ठीक है अदरवाइज आपकी मौज अच्छे से हो जानी है बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे लो यार चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मेंटी इज तेजस सेइंग मैम आई मेन नाइन्थ ग्रेड वेरी गुड तेजस बच्चे नाइन्थ ग्रेड होके अगर इफ यू आर प्लेइंग दिस वेल इन दिस मेंटी क्वेज दैट मीन्स योर करंट अफेयर्स इज वेरी स्ट्रांग लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मेंटी इज लेट्स सी हाँ जी हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड कहाँ पे है एंड टाइम समाप्त होते हुए इट्स थ्री टू वन टाइम्स अप देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने दिया है करेक्ट आंसर एंड यहाँ पे मिक्सड आंसर बट मैक्सिमम बच्चों ने दिया है करेक्ट आंसर विच इज न्यूयॉर्क एंड यहाँ पे देखते हैं कि कौन है लीडर बोर्ड पे टॉप पे क्या ब्यूटी या पापा की परी टॉप पे है या जू ही रिप्लेस कर चुकी हैं या राघव जो कि मुझे नीचे दिख रहे हैं राइट right? एट पोजीशन पे क्या वो अपनी पोजीशन नहीं ले पाए एंड ब्यूटी इज द विनर ऑफ टुडेज मेंटी क्वीज सो ब्यूटी बचे आपको हम ब्यूटी क्वीन का ताज तो नहीं दे सकते बट यू आर आर मेंटी क्वीन टूडे राइट सो कंग्रेचुलेन मेंटी क्वीन और मेंटी प्रिंसेस जो भी आप अपने आप को बोलना चाहें राइट कंग्रेचुलेशन अब मुझे बता तो दो हु इज दिस ब्यूटी बता तो दो बच्चे कौन है ज्योति शर्मा मैम आई मीन ग्रेड गुड अच्छी बात है सेवेंथ एट नाइन्थ के बच्चे भी करंट अफेयर सेशन में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दैट्स रियली गुड चलिए जो भी है बच्चे नेक्स्ट टाइम से विल प्रिपेयर राइट नेक्स्ट टाइम से अब बच्चे आपका जो अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट मेन्ट क्विज की उसमें आई विल बी कवरिंग टूडेज़ जो हमने न्यूज़ कवर की है दैट वन एंड प्लस मैंने आपको बोला कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेंस डबल वुमेंस डबल एंड मिक्स डबल्स के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ के आना उस पर भी दे विल बी क्वेश्चन इन आर मेंटी टिक्वेज आई होप यू लाइक द सेशन राइट एंड इसी के साथ अलविदा लेने का टाइम आ गया मिलते हैं आपसे परसों राइट वेंसडे को एट सिक्स पी एम तब तक के लिए स्टेट ट्यून एंड यस बाकी वीडियोस देखते रहिए बाय एवरीवन बाय बाय टेक केयर स्टे सेफ स्टे हेल्दी